नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका बीच सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा है जो कि जोहान्सबर्ग खेला जा रहा है। उसका दोस्तों चौथा डे है, तो आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की बैटिंग के बारे में। तो देखते हैं उनका स्कोर बोर्ड कुछ इस प्रकार से रहा है। देखिए स्कोर बोर्ड दोस्तों, बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग के बारे में। एडी मार्करम ने 31 रन बनाए, 38 गेंद खेल के 6 चौके लगाए, ठाकुर गेंद पे एल्पिड हो गए। उसके बाद कैप्टन अंकल ने बहुत अच्छा 96 रन बनाए, 188 गेंद में 14 चौके लगाए, 51 बुद्धि रोड से। पीटरसन ने 28 रन बनाए, 44 गेंद के लिए 4 चौके लगाए, 385 रन। नंबर करते हैं दुष्यंत की 40 रन बनाए, 92 गेंद के लिए 5 चौके लगाए, 43-75 रन। मोहम्मद शमी गेंद पे पुजारा ने कैच लपक के आउट कर दिया। उसके बाद दोस्तों तंबा फोमा आया, 23 रन बनाए, 45 गेंद के लिए 51-11। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से कुल 25 रन एक्स्ट्रा आए, टोटल 243 पे 3 विकेट, 27.4 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली अपने नाम। तो दोस्तों बात कर रहे हैं भारतीय बॉलर के बारे में। भारतीय बॉलर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया अभी तक, उसमें मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों आप जानते हैं भारतीय बॉलर का स्कोर बोर्ड कुछ इस प्रकार से रहा है अभी तक का। देखिए स्कोर बोर्ड। तो दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय बॉलर की, तो जसप्रीत बुमराह 17 ओवर फेंके, 2 मेडल निकाला, 70 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया इस बार, 4.11 कम्युनिटी, 1 वाइड गेंद, 9 गेंद। उसके बाद मोहम्मद शमी ने 17 ओवर फेंके, 3 मेडल निकाला, 55 रन दिए, 1 विकेट लिया। ठाकुर ने 16 ओवर फेंके, 2 मेडल निकाला, 47 रन दिए, 1 विकेट लिया, 2.93 कम्युनिटी। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने 6 ओवर फेंके, 47 रन दिए, 6.1 कम्युनिटी। उसके बाद अश्विन ने 11 ओवर फेंके, 2 मेडल निकाला, 46 रन दिए, 1 विकेट लिया। दोस्तों हम भारतीय टीम की बात करते हैं, तो 36 गुजारा 3 रन बनाए, अग्रवाल ने 23 रन बनाए, अधिक रन में 58 रन बनाए, मन बिहारी 40 रन बनाए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था 36 गुजारे का, 53 रन बनाए, 86 गेंद के लिए 10 चौके जड़े इस बार। तो दोस्तों हम बात करते हैं अश्विन की, अश्विन ने 2 चौके लगाए, तो उस प्रकार से बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। हम बात करते हैं भारतीय बॉलर की, तो जसप्रीत बुमराह बहुत ही शानदार बॉलर है, मोहम्मद शमी, साधु ठाकुर ने पिछले मैच में बहुत ही शानदार 7 विकेट लिए थे, 1 अगले अपने नाम किए। दोस्तों इस बार भी 1 विकेट अपने नाम किया है, बहुत ही अच्छा अभी तक का प्रदर्शन रहा है इनका। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।